जैन दोस्तों, बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के 41,520 पदों के बारे में। तो सभी लोग वेट कर रहे हैं कि शायद इसकी सेकंड लिस्ट लगाई जाए और हमारा सिलेक्शन सेकंड लिस्ट में हो जाए, हमारा मेडिकल करवाया जाए और हमारी भी ज्वाइनिंग हो जाए। तो इसी के लिए एक जरूरी सूचना आप सभी को देनी है जो कि अभी निकल के आ रही है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसका जो केस है वो डबल बेंच में चल रहा है, जिसमें अजीत यादव और रूपेश कुमार व अन्य 114 ने रिट फाइल की हुई थी, यानी याचिका डाली हुई थी पोस्ट को, पूरी पोस्ट को भरे जाने के संबंध में और कैरी फॉरवर्ड के लिए। तो इसी के संबंध में एक डबल बेंच है जो कि सुधीर अग्रवाल और राजीव मिश्र न्यायमूर्ति बैठे हुए हैं। तो उनके द्वारा एक डिसीजन लिया गया और डिसीजन में राज्य सरकार और भर्ती बोर्ड से जवाब तलब किया गया है, यानी उनसे पूछा गया है कि ये जो तरीका है जिसमें पूरी वैकेंसी को क्यों नहीं भरा गया है और कैरी फॉरवर्ड करने का जो आप बता रहे हैं वो किस तरीके से आप उस पर लागू कर रहे हैं और लागू होता भी है नहीं होता है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि इसके बाद होगा क्या, राज्य सरकार से जो भी जवाब आएगा और भर्ती बोर्ड के द्वारा जो जवाब मिलेगा उस पर कोर्ट डिसीजन लेगा कि वो कितने सही है, कितना सही है, कितना गलत है। अगर वो उनकी तरह से, उनकी तरफ से गलत तरीके से यूज़ किया गया है, यानी कैरी फॉरवर्ड का जो रूल है वो गलत लगाया गया हो या वैकेंसी भरी जानी चाहिए, अगर उन्होंने गलत जगह गलत चीज़ को यूज़ किया है, तो सिंपल सी बात है कि उनकी चीज़ को ना मान के कोर्ट उनके अगेंस्ट एक डिसीजन दे सकता है जिसमें बोला जा सकता है कि राज्य सरकार और भर्ती बोर्ड है फटाफट से ये जो वैकेंसी खाली रखी है, जिसमें बताया जा रहा है, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि लगभग 7,000 पद खाली है। तो इसमें बात की गई है लगभग 7,000 से अधिक पदों की बात की गई है, तो उम्मीद है कि 7,000 तो पद कम से कम होंगे ही, तो इन पदों को यहाँ पर भरा जाए। जो भी नीचे वाले सफल अभ्यर्थी हैं उनसे यहाँ पे भरने की बात की गई है। तो ऐसे में सिंपल सी बात यह है कि बहुत जल्दी कोई अच्छा डिसीजन आ सकता है और जो लोग 41,520 के लिए मेहनत कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि मे भी कुछ अच्छा हो, तो आई होप के कुछ अच्छा होगा और आप सभी के ही हित में डिसीजन जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। 41,520 अभी धरना भी दिया था और बाकी का भी उन्होंने कोर्ट केस भी किया हुआ और अच्छे तरीके से लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको सफलता तो मिलेगी अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। तो मेरा तो सिर्फ आप सभी से एक ही मैसेज है कि सभी लोग एक साथ होकर, एकजुट होकर काम करें और लगातार इसमें जो भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, अच्छे डिसीजन लें, केस लड़े, जो भी है कोर्ट का पूरा अगर सही तरीके से देखा जाए तो कोर्ट का आपको पूरा सहयोग रहेगा अगर सारी चीज़ें सही हैं। क्योंकि आपको एक यहाँ पे अच्छी चीज़ और हो जाती है, वो है आपकी 2013 वाली भर्ती। हालांकि ऐसा हो सकता है भर्ती बोर्ड की तरफ से रूल्स में कुछ चेंजेस किए गए हों, लेकिन 2013 वाली भर्ती को कंप्लीट होने के बाद आपके पास भी एक सॉलिड पॉइंट हो जाता है, इसके बेस पे भी आप काफ़ी स्ट्रांग हैं। तो आप लड़ते रहिए, रेगुलर जो भी चीज़ें अपडेट करता रहूँगा यहाँ पे, मैं आप सभी को बताता रहूँगा जो भी अपडेट होगी, तो अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो आपने सपना देखा है, सपना आप सभी का साकार होगा और आपको भी वर्दी मिलेगी। तो बस वर्दी मेरा जुनून इसी को आप सारी चीज़ें मान के बस आगे लगे रहिए रेगुलर, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपका ये जो सपना होगा साकार हो जाएगा और आपको भी जो पुलिस की वर्दी है वो डेफिनेटली मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी सभी लोगों को पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप सभी को बताई जाती है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। जैन दोस्तों, बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के 41,520 पदों के बारे में। तो सभी लोग वेट कर रहे हैं कि शायद इसकी सेकंड लिस्ट लगाई जाए और हमारा सिलेक्शन सेकंड लिस्ट में हो जाए, हमारा मेडिकल करवाया जाए और हमारी भी ज्वाइनिंग हो जाए। तो इसी के लिए एक जरूरी सूचना आप सभी को देनी है जो कि अभी निकल के आ रही है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसका जो केस है वो डबल बेंच में चल रहा है, जिसमें अजीत यादव और रूपेश कुमार व अन्य 114 ने रिट फाइल की हुई थी, यानी याचिका डाली हुई थी पोस्ट को, पूरी पोस्ट को भरे जाने के संबंध में और कैरी फॉरवर्ड के लिए। तो इसी के संबंध में एक डबल बेंच है जो कि सुधीर अग्रवाल और राजीव मिश्र न्यायमूर्ति बैठे हुए हैं। तो उनके द्वारा एक डिसीजन लिया गया और डिसीजन में राज्य सरकार और भर्ती बोर्ड से जवाब तलब किया गया है, यानी उनसे पूछा गया है कि ये जो तरीका है जिसमें पूरी वैकेंसी को क्यों नहीं भरा गया है और कैरी फॉरवर्ड करने का जो आप बता रहे हैं वो किस तरीके से आप उस पर लागू कर रहे हैं और लागू होता भी है नहीं होता है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि इसके बाद होगा क्या, राज्य सरकार से जो भी जवाब आएगा और भर्ती बोर्ड के द्वारा जो जवाब मिलेगा उस पर कोर्ट डिसीजन लेगा कि वो कितने सही है, कितना सही है, कितना गलत है। अगर वो उनकी तरह से, उनकी तरफ से गलत तरीके से यूज़ किया गया है, यानी कैरी फॉरवर्ड का जो रूल है वो गलत लगाया गया हो या वैकेंसी भरी जानी चाहिए, अगर उन्होंने गलत जगह गलत चीज़ को यूज़ किया है, तो सिंपल सी बात है कि उनकी चीज़ को ना मान के कोर्ट उनके अगेंस्ट एक डिसीजन दे सकता है जिसमें बोला जा सकता है कि राज्य सरकार और भर्ती बोर्ड है फटाफट से ये जो वैकेंसी खाली रखी है, जिसमें बताया जा रहा है, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि लगभग 7,000 पद खाली है, तो इसमें बात की गई है लगभग 7,000 से अधिक पदों की बात की गई है।
तो उम्मीद है कि 7000 तो पद कम से कम होंगे ही, तो इन पदों को यहाँ पे भरा जाए। जो भी नीचे वाले सफल अभ्यर्थी हैं उनसे यहाँ पे भरने की बात की गई है। तो ऐसे में सिंपल सी बात यह है कि बहुत जल्दी कोई अच्छा डिसीजन आ सकता है, और जो लोग 41520 के लिए मेहनत कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि मे भी कुछ अच्छा हो, तो आई होप के कुछ अच्छा होगा, आप सभी के ही हित में डिसीजन जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। 41520 अभी धरना भी दिया था और बाकी का भी उन्होंने कोर्ट केस भी किया हुआ है और अच्छे तरीके से लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको सफलता तो मिलेगी अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। तो मेरा तो सिर्फ आप सभी से एक ही मैसेज है कि सभी लोग एक साथ होकर एकजुट होकर काम करें और लगातार इसमें जो भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं अच्छे डिसीजन लें, केस लड़ें, जो भी है कोर्ट का पूरा अगर सही तरीके से देखा जाए तो कोर्ट का आपको पूरा सहयोग रहेगा अगर सारी चीज़ें सही है, क्योंकि आपको एक यहाँ पे अच्छी चीज़ और हो जाती है, वो है आपकी 2013 वाली भर्ती। हालांकि ऐसा हो सकता है भर्ती बोर्ड की तरफ से रूल्स में कुछ चेंजेस किए गए हों, लेकिन 2013 वाली भर्ती को कंप्लीट होने के बाद आपके पास भी एक सॉलिड पॉइंट हो जाता है, इसके बेस पे भी आप काफ़ी स्ट्रांग हैं, तो आप लड़ते रहिए। रेगुलर जो भी चीज़ें अपडेट करता रहूँगा यहाँ पे, मैं आप सभी को बताता रहूँगा जो भी अपडेट होगी, तो अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो आपने सपना देखा है सपना आप सभी का साकार होगा और आपको भी वर्दी मिलेगी। तो बस वर्दी मेरा जुनून इसी को आप सारी चीज़ें मान के बस आगे लगे रहिए रेगुलर, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपका ये जो सपना होगा साकार हो जाएगा और आपको भी जो पुलिस की वर्दी है वो डेफिनेटली मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी सभी लोगों को पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप सभी को बताई जाती है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। जैन दोस्तों बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के 41520 पदों के बारे में। तो सभी लोग वेट कर रहे हैं कि शायद इसकी सेकंड लिस्ट लगाई जाए और हमारा सिलेक्शन सेकंड लिस्ट में हो जाए, हमारा मेडिकल करवाया जाए और हमारी भी ज्वाइनिंग हो जाए। तो इसी के लिए एक जरूरी सूचना आप सभी को देनी है जो कि अभी निकल के आ रही है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसका जो केस है वो डबल बेंच में चल रहा है, जिसमें अजीत यादव और रूपेश कुमार व अन्य 114 ने रिट फाइल की हुई थी, यानी याचिका डाली हुई थी पोस्ट को, पूरी पोस्ट को भरे जाने के संबंध में और कैरी फॉरवर्ड के लिए। तो इसी के संबंध में एक डबल बेंच है जो कि सुधीर अग्रवाल और राजीव मिश्र न्यायमूर्ति बैठे हुए हैं, तो उनके द्वारा एक डिसीजन लिया गया और डिसीजन में राज्य सरकार और भर्ती बोर्ड से जवाब तलब किया गया है, यानी उनसे पूछा गया है कि ये जो तरीका है जिसमें पूरी वैकेंसी को क्यों नहीं भरा गया है और कैरी फॉरवर्ड करने का जो आप बता रहे हैं वो किस तरीके से आप उस पर लागू कर रहे हैं और लागू होता भी है नहीं होता है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि इसके बाद होगा क्या, राज्य सरकार से जो भी जवाब आएगा और भर्ती बोर्ड के द्वारा जो जवाब मिलेगा उस पर कोर्ट डिसीजन लेगा कि वो कितने सही है, कितना सही है, कितना गलत है। अगर वो उनकी तरह से उनकी तरफ से गलत तरीके से यूज़ किया गया है, यानी कैरी फॉरवर्ड का जो रूल है वो गलत लगाया गया हो, या वैकेंसी भरी जानी चाहिए अगर उन्होंने गलत जगह गलत चीज़ को यूज़ किया है, तो सिंपल सी बात है कि उनकी चीज़ को ना मान के कोर्ट उनके अगेंस्ट एक डिसीजन दे सकता है, जिसमें बोला जा सकता है कि राज्य सरकार और भर्ती बोर्ड है फटाफट से ये जो वैकेंसी खाली रखी है, जिसमें बताया जा रहा है जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि लगभग 7000 पद खाली है, तो इसमें बात की गई है लगभग 7000 से अधिक पदों की बात की गई है। तो उम्मीद है कि 7000 तो पद कम से कम होंगे ही, तो इन पदों को यहाँ पर भरा जाए। जो भी नीचे वाले सफल अभ्यर्थी हैं उनसे यहाँ पे भरने की बात की गई है। तो ऐसे में सिंपल सी बात यह है कि बहुत जल्दी कोई अच्छा डिसीजन आ सकता है, और जो लोग 41520 के लिए मेहनत कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि मे भी कुछ अच्छा हो, तो आई होप के कुछ अच्छा होगा, आप सभी के ही हित में डिसीजन जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। 41520 अभी धरना भी दिया था और बाकी का भी उन्होंने कोर्ट केस भी किया हुआ है और अच्छे तरीके से लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको सफलता तो मिलेगी अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। तो मेरा तो सिर्फ आप सभी से एक ही मैसेज है कि सभी लोग एक साथ होकर एकजुट होकर काम करें और लगातार इसमें जो भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं अच्छे डिसीजन लें, केस लड़ें, जो भी है कोर्ट का पूरा अगर सही तरीके से देखा जाए तो कोर्ट का आपको पूरा सहयोग रहेगा अगर सारी चीज़ें सही हैं, क्योंकि आपको एक यहाँ पे अच्छी चीज़ और हो जाती है, वो है आपकी 2013 वाली भर्ती। हालांकि ऐसा हो सकता है भर्ती बोर्ड की तरफ से रूल्स में कुछ चेंजेस किए गए हों, लेकिन 2013 वाली भर्ती को कंप्लीट होने के बाद आपके पास भी एक सॉलिड पॉइंट हो जाता है, इसके बेस पे भी आप काफ़ी स्ट्रांग हैं, तो आप लड़ते रहिए। रेगुलर जो भी चीज़ें अपडेट करता रहूँगा यहाँ पे, मैं आप सभी को बताता रहूँगा जो भी अपडेट होगी, तो अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो आपने सपना देखा है सपना आप सभी का साकार होगा और आपको भी वर्दी मिलेगी। तो बस वर्दी मेरा जुनून इसी को आप सारी चीज़ें मान के बस आगे लगे रहिए रेगुलर, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपका ये जो सपना होगा साकार हो जाएगा और आपको भी जो पुलिस की वर्दी है वो डेफिनेटली मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी सभी लोगों को पसंद आई होगी,
और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप सभी को बताई जाती है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।